जी की हाल है वीरो। आप तुसी ये वीडियो देख रहे हो, अलीबाबा ब्लॉग पे धुप छुप निकल रही है, जानवर धुप सेक रहे हैं, मुर्गी आप रलाते बिचे ही। आप जी उदा मरोहा मुर्गी लैके आती सी, ये सीलों में रलती नहीं पई, ताइए लहदा रखी हुई है। 10-15 दिन इतना लहदा रखा, फिर बच्चे रलावे, फिर बच्चे रलावे, आस्ता आस्ता अल्लाह खैर कर रल जाए। आ देखो माशाल्लाह फिर दे जश्न मनाते, सुबह दिन 6-7 आंडे देते हैं, बाकी हजे रेंदे आ। 18 मुर्गियां डेली की अपनी एवरेज हैगी 13-14, तो जी माशाल्लाह अपनी 80% बन गई है। हाँ जी वीरों, अपने सील आए ना अंदर आंडा टुट गया, कल मुर्गियां लड़ पईआं सीगीआं, तो अल्लाह कित सारा बाहर निकलिया वा, बचत हो गई है। नहीं तो मुर्गियां दे ना अल्लाह माफ करे मरण का भी खतरा हुंदा वा। ये अपनी प्योर थाईलैंड की ब्रीड आ, तो आप हमने ये पट्ठियां का जोर लगा, देखो पैर थले ला के बैठी हुई है। आप इंशाल्लाह हम मैथक बाल की एक गोली देवे, फिर तुम दोबारा रिव्यू करावे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाना। सिर्फ वो होया कुछ भी नहीं गया, जो अंदर अंडा टुटिया से ना वो बाहर निकल आया वा, तो सिर्फ और सिर्फ पट्ठियां का जोर लगा, ताइ इदा बैठी है। बाकी आह वेखो आप छत से गलहरियां भी रखी वा, आ खा पी रही, इन्हों भी दाना पाया वा। जो घरेलू मुर्गियां आंडे घटा जांदियां ना, वो आयरन की कमी की वजह तो घटा जांदियां। आ देखो इन्हां नूं पट्ठे भी पाई दे आ, इन्हां च काफ़ी ज़्यादा मकदार आयरन हुंदा वा। आ देखो बड़े शौक नाल खांदियां इह पट्ठे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो दे विच, ओके।